ये संदेश कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो ठीक होना चाहते हैं। लेकिन आप नहीं समझते। हाँ मैं समझती हूं, हाँ मैं समझती हूं। मैं कई सालों तक अपने दुख के कीचड़ में फंसी रही, मैं दुख में रही थी, मैं अपने पिता से नफरत करती थी, मैं पछताती रही, मैं दुखी थी, मैं मानसिक तनाव में थी, मेरे परिवार में जीवन था, पर मैंने तय किया कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैंने तय किया कि मैं अपना जीवन दुख में नहीं बिताऊंगी, मैं ठीक होऊंगी, मैं ठीक होऊंगी। ये बहुत अलग था, ये बहुत डरावना था। मैं ऐसा व्यक्तित्व नहीं चाहती थी। आप में से कितने लोग हैं जो ऐसा व्यक्तित्व नहीं चाहते? परमेश्वर जीवित हैं। दूसरों को मदद करने के द्वारा अपनी फसल के लिए बीज बोइए, किसी न किसी तरह की सेवा में लग जाइए, क्योंकि इससे आपको ही मदद मिलेगी। अपने मन को दुख से दूर रखिए। अपने मन को दुख से दूर रखने के लिए कुछ कीजिए जो आप कर सकते हैं। दुख को परमेश्वर के साथ जोड़िए। अपने मामले को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दीजिए। दूसरों के लिए जानबूझकर आशीष का कारण बनने के द्वारा आप अपनी फसल के लिए बीज बोने का ध्यान रखिए। गलातियों 6:9-10 पर जाइए। हम भले काम करने के हियाब न छोड़ें और उदारता के साथ सही काम करने में निर्बल न हों, क्योंकि ठीक समय पर और नियुक्त मौसम में हम कटनी करेंगे यदि हम ढीले न पड़ें। आप अपना धैर्य न खोएं। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ नैतिक रूप से भलाई करें, जो उनके लिए सिर्फ उपयोगी या फायदेमंद ही ना हो बल्कि उनके आत्मिक भलाई और उन्नति के लिए भी हो। अगला वाक्य मेरे लिए जीवन को बदल देने वाला वाक्य था। किसी के लिए आशीष बनने का ध्यान रखें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के लिए जो आपके परमेश्वर के परिवार के हों, यानी विश्वासी जन। ध्यान रखें कि आप इसे जानबूझकर करें। इसका मतलब है आप हर दिन बैठकर सोच सकते हैं कि मेरे पास दो विकल्प हैं। पहला, मैं सारा दिन अपने बारे में सोच सकता हूं, जैसा मैं करना चाहता हूं, मुझे क्या चाहिए, सब लोग क्या नहीं कर रहे हैं और मैं क्या चाहता हूं वो करें। या दूसरा, मैं जानबूझकर किसी और चीज के बारे में सोचूं और अंत में मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि मैंने दूसरा विकल्प चुना। आप में से हर एक किसी न किसी को जानते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं। आप किसी न किसी को जानते हैं जिसे आप उत्साहित कर सकते हैं, और यदि आप किसी को नहीं जानते तो बाहर जाकर किसी को ढूंढिए। आजकल दुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए आपको हमारे समाज में ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, आप खुशी खुशी ढूंढेंगे। क्या मुझे कोई सुन रहा है? आपको स्वार्थीपन और स्वकेंद्रीपन से लड़ना होगा। आपको अपने मन को खुद पर से हटाने के लिए लड़ना होगा। चलिए भी ईमानदार बनिए, आप में से कितने लोग अपने बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे बारे में क्या? 1 थिस्सलुनीकियों 5:15। सावधान, कोई किसी के साथ बुराई न करे। इसका मतलब है कि आपको उन लोगों के पीछे नहीं जाना है जो आपकी बुराई करे। क्षमा कीजिए। प्रक्रिया यह है कि आपको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, और यदि परमेश्वर आपसे कहे तो आपको उन्हें आशीष भी देने का मौका मिल सकता है, है ना? या ये आपकी देह के लिए कठिन नहीं होगा, लेकिन हम उन लोगों को आशीषित करते हैं जिन्होंने हमारा दिल दुखाया बिना सोचे कि उन्होंने क्या किया है, और वो भी उनकी लोकप्रियता को बिना नुकसान पहुंचाए। जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, अपने मुंह को बंद रखिए। सावधान, कोई किसी के साथ बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आप में से और सबसे भलाई की ही चेष्टा करो। आपको चेष्टा शब्द पर एक गोल बनाना चाहिए, क्योंकि चेष्टा करने का मतलब चाहना, लगे रहना और अपनी पूरी ताकत से इसके पीछे जाना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा महसूस करें। बहाने बनाना बंद कीजिए। वास्तव में ये सब अच्छा हो रहा है। इस समय आप सब लोग ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। हम क्यों है इसके पीछे एक कारण है, बिल्कुल है, लेकिन हम सबको ये जिम्मेदारी पूरी तरह से उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम जहां पर हैं क्या उससे आगे जाने के लिए हम में भी इच्छा है।
मैंने इसलिए बुरा व्यवहार किया क्योंकि मेरा पालन पोषण गलत तरीके से किया गया था, मेरा शोषण किया गया था और मैंने कभी कुछ नहीं देखा सिवाय काबू में रहने और छल कपट के। इसलिए मैंने उसे अपनी जीवन शैली बना लिया था और मैं काबू करने वाली और चालबाज बन गई थी। और यदि मुझे अपना रास्ता नहीं मिला होता तो मैं पागल हो जाती। मुझे पता है कि मैं ऐसी क्यों हूं, लेकिन ऐसी ही बनी रहने के लिए मैं ये बहाना नहीं बना सकती। मुझे अपने सभी बहाने छोड़ने पड़े। अब इनमें से हर एक बातों के लिए जिन्हें आपको बताने वाली हूं बरसों लगे, क्योंकि जिस समय परमेश्वर हमें सही चीजों को करने के लिए दिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे तुरंत कर देते हैं। कई बार हम इसी पहाड़ की चारों ओर घूमते रहते जब तक कि हम ये ना कह दे ओ शायद परमेश्वर सही थे। मैं कहना चाहूंगी कि परमेश्वर ने बस इतना कहा है कि खुद पर अफसोस करना बंद करो, और उसके बाद मैंने कभी भी अफसोस नहीं किया, लेकिन ये एक तरह से सफल नहीं हुआ। और आप उसी मौके पर खड़े रहते हैं जब तक कि आप उस चीज पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, आप सफल नहीं हो पाते। परमेश्वर के लिए आप इंतजार करेंगे या परमेश्वर को आपके लिए इंतजार करना होगा? आपकी चंगाई के लिए कितना समय लगता है? खैर, आप किस तरह के सहयोगी हैं? आप अपनी यात्रा लंबी या छोटी बना सकते हैं। शायद कुछ सोच रहे होंगे मैं खुश हूं कि आप मेरी मां नहीं हैं। मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूं कि सच्चाई बताने के लिए मैं कुछ देर तक किसी भी नाराजगी को सहन कर सकती हूं अगर यह आपको उस दलदल से बाहर निकाल लाए जिसमें आप फंसे हैं। हालेलुया। जब कोई हमें सच्चाई बताता है तो हम उस पर नाराज हो जाते हैं। मैं अपने जीवन में शोषण का सामना नहीं कर पा रही थी। जब मैं अपने पिता के घर से भाग गई तो मैंने सोचा कि मैं परेशान बाहर निकल गई हूं, लेकिन मैं तो परेशानी को अपने साथ ले गई थी। ये मेरे विचारों में थी, ये मेरी बातचीत में थी, ये मेरे सभी कामों में थी, और मैं इसके साथ नहीं निपट रही थी। मैं तो बस यूं ही चर्च जाकर घर आती। एक रात एक महिला अपने पति के साथ हमारे चर्च में आई जो कि पहले से एक वेश्या थी। जब वो बच्ची थी तब उसका शोषण किया गया था। उसने किताब लिखी थी और देव मेरे लिए उस किताब को लेकर आए। अगले दिन सुबह ही मैंने इसे खोला। जैसे ही मैं उस कहानी को पढ़ने लगी, ये बिल्कुल मेरी कहानी जैसी थी। उसने कुछ बातों का उल्लेख किया कि मेरे पिता ने जो मेरे साथ किया उसे मैं दफना चुकी हूं और मैं उस बारे में जरा भी नहीं सोचती। अचानक मेरे दिमाग में वो सब फिर से घूमने लगा। मैंने उस किताब को कमरे में फेंक दिया। मुझे उन पर गुस्सा आया कि वो मेरे लिए ये क्यों लेकर आए, और उन्हें क्या लगता है कि मुझमें कुछ तकलीफ है? शायद उन्होंने इस किताब को ले लिया होगा। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे धीरे से और कोमलता से कहा, यही समय है। शायद इसलिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को यह कहने के लिए जो यहां पर है, मुझे टीवी पर देख रहे हैं, यही समय है। ये समय है संवेदनशीलता, असुरक्षितता और बुरा लगने को बंद करने का। हर समय झंझलाने से कोई समाधान नहीं होगा। हर एक परिस्थिति को काबू में रखने के लिए चालाकी से कोशिश न करिए। ये समय है डर को अपने जीवन पर नियंत्रण लेने से रोकने का। ये समय है खून बहने से रोकने का। ये समय है एक ऐसा जीवन जीने का जिसके लिए यीशु मरे। आमीन। यही समय है। ओ, मैं आपको बताती हूं कि जब से पवित्र आत्मा ने मेरा नियंत्रण लिया है तब से मेरा चर्च जाने में बदलाव आ गया है और मैं एक गंभीर मसीह बन गई। आप चर्च में तब बैठ सकते हैं जब तक कि आपकी कमर चौड़ी न हो जाए। तब तक हाथ उठाए रह सकते हैं जब तक कि आपके सिर के सारे बाल उड़ न जाए। हम अपने आज्ञा पालन के अपने स्तर से कहीं ज्यादा शिक्षित हैं।
हम क्षमा करना आरंभ करने के लिए हमें कितनी बार बाइबल अध्ययन करना पड़ेगा? खैर ये मुश्किल है बहन, ये बहुत मुश्किल है। आपको पता है ये कठिन क्या है? कड़वाहट और नफरत और अलगाव और क्षमा से भरे रहना, ये बहुत ही कठिन है। क्षमा करना कठिन नहीं है, क्षमा करना व्यक्तिगत आनंद के लिए एक फ्री पास है। आमीन। ये एक व्यक्तिगत आनंद के लिए फ्री पास है। परमेश्वर ने खुद के लिए आपको शत्रुओं को क्षमा करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने आपके लिए ऐसा करने को कहा है। वो चाहते हैं कि आप मुक्त हो जाएं। जिन्होंने आपको दुखी किया था उनसे नफरत करने के कारण आप स्वयं को बार बार दुखी मत होने दीजिए। बुराई के बदले बुराई मत करो, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। मैं शैतान को अपना आनंद चुराने नहीं दूंगा, यही कहना है। आपको सच्चाई का सामना करना ही होगा। ये किसी और के बारे में नहीं है बल्कि आपके बारे में है जिसका सामना आपको करना ही होगा। जब मैं डेव को बदलने के लिए प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने कहा, परेशानी डेव नहीं है बल्कि तुम हो। तब अगले 3 दिनों तक परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि मेरे साथ इस घर में रहना कैसा लगता है, और मैं हैरान हो गई, पूरी तरह से हैरान हो गई। मैं 3 दिनों तक रोती रही। मैं खुद एक बहुत बड़ी उलझन थी। ये तो अच्छी बात थी कि परमेश्वर ने मुझे एक धार्मिक आराम तलब अनुरूप और प्रोड़पति दिया है। आप में से कुछ लोगों के लिए यह करना कठिन होगा कि वे परमेश्वर के साथ एक छोटी मीटिंग रखें और उनसे कुछ बातें सुने जो वो सच में कहना चाहते हैं। कभी कभी वो इसके अलावा कुछ और भी कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हां, वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो हमें सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जानते हैं कि उन बातों को हमें कब बताना है। यदि आप योहन्ना 16 पढ़ेंगे तो उसमें यीशु ने कहा है कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं शांति देने वाले, दिलासा देने वाले को तुम्हारे पास भेज दूंगा, और पवित्र आत्मा एक आत्मा है। वो एक ही समय में सभी जगह पर हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति में कार्य करते हुए। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम पर सत्य प्रकट करेगा और तुम्हें अब सत्य का मार्ग बताएगा। वो आपको सत्य बताएंगे, अगर ये कष्टप्रद होगा तब भी, लेकिन यह हमारी सहनशीलता ज्यादा नहीं होगा। परमेश्वर हम पर कभी उसे ज्यादा परीक्षा नहीं आने देते जो हमारी सहन से बाहर हो। मेरे जीवन की उस उलझन के समय में भी उन्होंने मेरी थोड़ी थोड़ी अगुवाई की थी। उन्होंने मुझ पर सब एक साथ प्रकट नहीं किया, वो अब भी बता रहे हैं। मुझे यकीन है कि मैं परमेश्वर के साथ कार्य करती रहूंगी, और वो मुझे पसंद है। मुझे बदलाव पसंद है, मुझे बढ़त पसंद है। किसी व्यक्ति को प्रौढ़ बनना पड़ता है खुद के बारे में बिना किसी दोष के सच का सामना करने के लिए। क्या आपने मुझे सुना? अब उन्हें पलट दीजिए। मुझे नहीं पता था कि यह कैसे किया जाता, इसलिए मुझे परमेश्वर सब कुछ दिखाते थे। मैं अगले 3 हफ्तों तक पछताती रही। मैं इस वक्त सारी दुनिया में सबसे बेकार व्यक्ति हूं, मेरे जैसा बुरा कोई व्यक्ति नहीं। मुझे लगता है परमेश्वर कभी कभी सोचते होंगे कि क्या तुम कभी इससे उबर पाओगी। नहीं, वो मैं अभी नहीं करूंगी, नहीं मैं अभी नहीं करूंगी। परमेश्वर मुझे वो सारी बातें बता सकते थे जो मुझ में गलत थी। मैं आपके साथ हूं परमेश्वर, चलो इसे पा लेते हैं। मेरा मतलब है, बल्कि मैंने आज सुबह की प्रार्थना की थी, परमेश्वर मैं चाहती हूं कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यदि आपको मुझे किसी चीज से बांधना भी पड़े तो मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि जिन बातों से गुजरी हूं वो कठिन है। ये मुझ में अगले स्तर की शांति लेकर आएगी, ये अगले स्तर का आनंद लेकर आएगी। ये समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि लोग क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं असुरक्षित थी। मैंने दोस्तों को खरीदने की कोशिश की, पैसों से नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो सब करके जो वो चाहते थे, तब मुझे कठिन समय से गुजरना पड़ा।
मैं उन लोगों में शामिल हो गई जिन्हें मैं समझती थी कि वे अद्भुत हैं। मेरा मतलब वे लोग अच्छे थे, मसीही लोग, लेकिन उन्होंने मेरा काफी दिल दुखाया, इतना ज्यादा कि मुझे 3 साल लग गए। लेकिन परमेश्वर ने यह मेरे फायदे के लिए किया। उन्होंने मुझे उनकी कमजोरियां दिखाई ताकि मैं कभी भी लोगों पर ज्यादा भरोसा न करूं, बल्कि मैं अपना भरोसा सिर्फ उन पर रखूं। ये कठिन था, वे बहुत ही पीड़ादायक था, लेकिन इसकी दूसरी तरफ मैं ज्यादा आजाद थी। मैं लोगों से प्रेम करती थी, लेकिन जब वो मुझे लज्जित करते थे तब मैं पछताती नहीं थी। लोगों में इतना कुछ नहीं है जो मुझे और भी अचंभित करे। क्या आप इसे मान सकते हैं? हाँ, मैं मान सकती हूं। कहने में बुरा लगता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में कह रही हूं? अब मुझे जल्दी से समझना पड़ेगा, आप ठीक हैं? जब ये दुखदाई बन जाए तो इससे मत भागिए। ओ, ये काफी बड़ा है। ओ, ये नहीं परमेश्वर, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। उत्पत्ति 16:8-9, और उन्होंने पूछा, हाजरा सारा की दासी से तुम कहां से आती हो और कहां को जाना है? और उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी के सामने से भाग आई हूं। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। बाइबल में एक के बाद एक व्यक्ति भागे, मूसा भागे। बाइबल कहती है कि वो मिस्र से भागे थे। ये ऐसा नहीं कहती कि परमेश्वर ने उसे मिस्र से चले जाने के लिए कहा था, वो भागे थे। और 40 साल के बाद परमेश्वर ने कहा, मिस्र में वापस जाओ। चलो भी। सारा ने अब्राम को हाजरा दे दी थी एक दूसरी पत्नी के रूप में, क्योंकि वो गर्भवती नहीं हो पा रही थी। उसके ये विचार आया कि यदि वो अपनी दासी को अपने पति को दे देगी तो उसके द्वारा उसे एक बच्चा मिल जाएगा। पर जैसे ही हाजरा गर्भवती हुई, उसका व्यवहार बदल गया। ना, सारा को ईर्ष्या हुई और वो उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगी, इसलिए हाजरा भाग गई। खैर, सारा जो कर रही थी वो सही नहीं था, लेकिन हाजरा का व्यवहार भी सही नहीं था। और कई बार परमेश्वर हमें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रखते हैं जो हमारे प्रति कठोर होते हैं, और वो व्यक्ति हमारे लिए घिसाई का कागज बन जाते हैं। वे लोग जो करते हैं वो सही नहीं होता, पर परमेश्वर उनका इस्तेमाल हमें चिकना बनाने के लिए करते हैं। इस वक्त आप में से कितने लोगों के जीवन में घिसाई हो रही है? आप इससे अलग हो सकते हैं और आप किसी दूसरी चीज के लिए अगले दरवाजे पर जा सकते हैं। आप नौकरी छोड़कर कहीं और जा सकते हैं, लेकिन उस नौकरी पर उस तरह के और भी ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि जब परमेश्वर आपको चिकना बनाने को सोचते हैं वो करते ही रहते हैं, ऐसे ऐसे करते ही रहते हैं। परमेश्वर ने जोना से कहा था, निनवे में जाकर उन्हें प्रचार करो, लेकिन वो बिल्कुल विपरीत दिशा में चला गया, तर्तीश को, क्योंकि वो निनवे में नहीं जाना चाहता था। वो नाव पर चढ़ा, चूंकि ये परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था, इसलिए वो भयंकर तूफान में फंस गया। लोगों को पता चला कि ये किसी के कारण हो रहा है, इसलिए उन्होंने उसे नाव से बाहर फेंक दिया। उसे एक व्हेल मछली ने निगल लिया। उसने मछली के पेट में 3 दिन गुजारे। अंत में उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने ऐसा किया कि उस समुद्री मछली ने उसे पूरा का पूरा उगल दिया। और प्रभु का वचन योना के पास आया, निनवे को जाओ। क्या आज रात मेरे साथ कोई है? एलिया जजबेल से भागा था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर मरना चाहता था जब उसने बाल के 400 नबियों को मारा था। भावनात्मक रूप से ऊपर नीचे वू। परमेश्वर ने उसे एक झपकी दी, थोड़ा अच्छा भोजन खिलाया और कहा, अब वापस जाओ और मैंने तुमसे जो करने के लिए कहा है वो करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, भागने से तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। बस तुम इतना ही कर रहे हो कि जो टल नहीं सकता उसे टाल रहे हो। देखिए, मैंने सीखा है ये कठिन मार्ग है। चलो भी, मैं 67 साल की हूं, मुझे ये सीखने में 40 साल लगे जो मैं आज आपको बता रही हूं। आपको इस मां के खजाने में से मिल रहा है। मैं आपको 20 साल के दर्द से बचा सकती हूं। आमीन। अगली बार आप जब भी दुखद स्थिति में हो और उसे भागने की सोचे तो याद रखिए कि मम्मी जॉयस ने कहा था कि मत भागो, वरना किसी न किसी तरह आप दोबारा वहीं पर आ जाओगे। एक ही उपाय है इसमें से गुजरना,
जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया उन लोगों को पूरी तरह क्षमा कीजिए और आपने जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए माफी मांगिए। आप वहां ज्यादा देर नहीं रहेंगे। आपने क्षमा करने पर अवश्य ही बहुत सारे संदेश सुने होंगे। यदि आपने 20 बार सुना है तो अब एक बार फिर सही। उठिए। महिमा हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो आप यहां पर नहीं होते। तो आइए उनकी बात सुनिए। परमेश्वर हमें जो भी करने के लिए कहते हैं वो करिए। वो हमें ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हम खुद प्रसन्न न हो जाए। वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। क्षमा कीजिए, नाराज होना बंद कीजिए, अपने जीवन से संघर्ष निकालिए, स्थिर हो जाइए और परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। सभी लोगों के सामने खड़े नहीं होंगे जो आप पर दोष लगाना चाहते, बल्कि आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर खुद का लेखा झुका देंगे। और इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना ख्याल खुद रखें। आपके और परमेश्वर के बीच में आपको परिपूर्ण होना है, पूरी तरह से स्वस्थ और परिपूर्ण और वैसा जीवन जीना है जो परमेश्वर चाहते हैं। दोष लगाना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। ओ दोष। सारा ने अब्राहम पर दोष लगाया, अब्राहम ने सारा पर दोष लगाया। आदम ने हव्वा पर दोष लगाया, हव्वा ने सांप पर दोष लगाया। यदि आपको किसी पर दोष लगाना है तो शैतान पर लगाइए। मेरे पिता ने मुझे दुख दिया क्योंकि उन्होंने खुद को खराब कर रखा था। दुखी लोग दूसरों को दुख देते हैं। वे लोग केवल अपने दर्द को बाहर क्रियाशील करते हैं। कई बार उन्हें यह भी पता नहीं होता। मैं नहीं मानती कि बहुत से लोग सुबह उठकर यह तय करते होंगे कि आज किसे दुखी करने की कोशिश की जाए। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग केवल दुख पहुंचाते रहते हैं। ये दुनिया दुखों से भरी है। वे परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते और वे दुख उठा रहे हैं। रोमियो 12:21 कहता है, बुराई को भलाई से जीतो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि आप शैतान को पीछे डालना चाहते हैं तो आप दूसरों के साथ जितनी भलाई कर सकते हैं उतनी कीजिए। आप में से कितने लोग इस सिद्धांत को समझ रहे हैं? क्योंकि यदि आप इसे नहीं समझेंगे तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। अपनी उलझनों के बीच में आपको किसी व्यक्ति के पास पहुंचना है और एक आशीष बनना है। अपने मामले को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको किसी सलाह की जरूरत है तो मैं इसके विरोध में नहीं हूं। ऐसे कई अद्भुत सलाहकार हैं जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहूंगी कि यदि आप 40 सालों से सलाह लेते आ रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप सिर्फ महंगी फीस अदा कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी हमेशा सुनेंगे और वो भी मुफ्त में। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी जटिलता को जानते हैं। वो जानते हैं कि आप कब कौन सा सच अपना सकते हैं। वो आपके सलाहकार, आपके मार्गदर्शक और आपके शिक्षक हैं। मैं आपको चुनौती देती हूं, आज रात ही अपने मामले को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दीजिए और उन पर पूरे दिल से भरोसा कीजिए। परमेश्वर, मैं अपने मामले को आपके हाथ में देता हूं। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, बस मैं इतना जानती हूं कि आज रात मैंने तय किया है। और जिसने आप में भलाई के कार्य की शुरुआत की है वो उसे पूरा करने में और इसे समाप्त करने में सामर्थ्य है। यानी खुद परमेश्वर आपको थोड़ा बहुत परेशानी उठाने के बाद वो आपको संपूर्ण और वैसा बना देंगे। और अंत में इन सब के अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो चाहे करें, अपनी यात्रा का आनंद जरूर लें। परमेश्वर आपके जीवन की उलझन मिटाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़िए और अपने दिन का आनंद लीजिए। अगले 40 सालों तक दुखी रहने से आपका कुछ भला नहीं होगा। जबकि परमेश्वर आपको चंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो आप में कार्य कर रहे हैं और आप इसे महसूस भी कर रहे हैं। उनका धन्यवाद कि उन्होंने आपका हृदय ऐसा कर दिया है कि आप पवित्र आत्मा से दोष सिद्धि को महसूस कर सकते हैं। मैं इतना ज्यादा महसूस नहीं कर पाती थी।
अब मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। पवित्र आत्मा मुझ में से उन चीजों को हटा रहे हैं जिन्हें वो नहीं चाहते कि मैं करूं। कहीं मत अटकिए, ये समय है जोर देने का। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज की शिक्षा आपको प्रोत्साहित करेगी बाहर आने के लिए उन सभी चीजों से जो आपके परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने से रोकती है। फिलिपियों 3:13 में प्रेरित पौलुस कहते हैं, परंतु मैं केवल एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। आपका दिन शुभ हो। जॉय स्मार मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए,